प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में पेपर लीक मामले की जांच के सिलसिले में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर छापेमारी की। आज सुबह ईडी की टीम ने गोविंद सिंह डोटासरा के घर समेत राजस्थान में करीब एक दर्जन जगहों पर छापेमारी की है। जिसमें दौसा के महवा से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला के पेट्रोल पंप पर भी छापे मारे गए हैं। छापे के सिलसिले के साथ ही राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ईडी के छापों को गलत ठहराते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा, सुनिए। पीमर एजेंसी जो है फाइनेंशियल अनियमितताओं की हो या कोई क्राइम किया हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये जो एजेंसी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचेगा कि मैस हो जाएगा देश के अंदर, मैस हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज क्राइम का हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है तो ये तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीजी पेजन का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है। और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया, वहीं मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी, 6 महीने 8 महीने 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं वहाँ के आईएएस वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है ये सब संकेत नहीं है। इतने मैं कहना चाहूँगा कि जो हालात बना रखे हैं इससे कोई घबराने वाले नहीं है, ये इनको गलत फहमी है। अभी तो हम और गारंटी देने जा रहे हैं, कल 5 गारंटी देने जा रहे हैं उनको तैयारी करने की, 5 नेताओं को चुन ले पहले ही कि जब गारंटी कल देंगे तो परसों कहाँ का छापे डालने हैं पहले तय कर ले। ये हालात है तो आप सोच सकते हो कि डेमोक्रेसी में अगर ऐसी सरकार बनी बैठी है दिल्ली में जो लोगों दिल जीतने के बजाय अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से और सिद्धांतों से आप कामयाब हो, उसकी बजाय आप जो है अब गुंडागिरी कर रहे हो। गुंडागिरी है ये, ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए क्या कहा है, सुनते हैं। मेरा प्रश्न अशोक गहलोत साहब से यह है कि 70 लाख युवाओं का भविष्य जिस पेपर लीक की घटनाओं के चलते हुए अंधकार में हुआ, उन 70 लाख किसान के बेटे, गरीब के बेटे, दलित आदिवासी के बेटे और बेटियां, जिनके सपने और भविष्य का सपना चूर चूर हो गया, उन सब परिजनों के अरमान और सपने जो उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के देखे थे वो सब विखंडित हो गए। और उसको लेकर के उन्होंने बार बार ये बात कही कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने कानून बनाने का स्वांग भी किया, उन्होंने इस दृश्य को लेकर के अनेक फौरी तौर पर बयान भी दिए कि जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जब कार्रवाई का विषय आता है और उनके लोगों से इस पेपर लीक के षड्यंत्र के तार जब जुड़े हुए प्रतीत होने लगते हैं तब उनको राजनीतिक वेंडेटा याद आता है। ये दोहरा चाल और चरित्र अब बेनकाब हो चुका है और राजस्थान की जनता ये जान चुकी है कि किन लोगों की मिलीभगत के चलते हुए आरपीएससी के पेपर लीक हुए, किन लोगों की मिलीभगत के चलते हुए आरपीएससी में अपने चहेतों को नौकरियाँ दी गई, किन लोगों ने मिलकर के पेपर लीक करके लाखों करोड़ रुपए का ऐसा गैरकानूनी धन अर्जित किया है।
वहीं इस छापेमारी का विरोध करते हुए कांग्रेस के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ईडी द्वारा छापेमारी के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन जारी किया, जिसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक दिन जहां राजस्थान की महिलाओं के लिए कांग्रेस की गारंटियां लॉन्च कर रहे हैं, तो अगले ही दिन राज्य में छापेमारी की कार्रवाई के साथ मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी में हाजिर होने का समन दिया जा रहा है।